नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। सावधान, दूसरे के खाते में पैसे जमा किए तो हो सकती है 7 साल की जेल। आयकर विभाग ने अपने अघोषित राशि दूसरों के बैंक खातों में जमा करवाने वालों को आगाह करते हुए कहा है कि इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बेनामी लेनदेन कानून के तहत आरोप लगाने का फैसला किया गया है, जिसमें जुर्माना व अधिकतम 7 साल की कैद की सजा हो सकती है। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि विभाग ने 8 नवंबर के बाद अप्रचलित नोटों के संदिग्ध इस्तेमाल को लेकर 80 से अधिक सर्वे व लगभग 30 तलाशियां ली, जिनमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय पकड़ी गई। इस तरह की कार्रवाई में 50 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की गई। कर अधिकारियों ने 8 नवंबर के बाद बैंक खातों में भारी नकदी जमा कराए जाने के मामलों की पड़ताल के तहत देश भर में अभियान चलाया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में संदेह सही पाए जाने पर बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कानून चल व अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। इस कानून के तहत राशि जमा कराने वाले व जिसके खाते में जमा हुई है, दोनों को पकड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शुरू में उन मामलों में नोटिस जारी किए जाएंगे जिनमें 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक बड़ी राशि में धन जमा कराया गया हो, लेकिन इससे कम राशि वाले उन मामलों की भी जांच होगी जिनमें बैंक या वित्तीय आसूचना इकाई संदिग्ध लेनदेन की शिकायत करेंगे। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आपसे 50 दिन मांगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आगरा आपसे अपील करने आया हूं, ये जो बदनामी करने वाले लोग हैं वो जनधन अकाउंट खोलने वालों के पास पहुंचकर उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसे पापियों की बातों में न आए। कानून इतना सख्त है कि पैसा देने वाले मुकर जाएंगे और गरीब जिसके अकाउंट में पैसे जमा होंगे वो फंस जाएगा। इसी बीच CBDT ने भी आयकर विभाग से कहा है कि वो उन मामलों पर कड़ी निगरानी रखे जिन पर 500 और 1000 रुपए के पुराने मुद्रा नोटों का इस्तेमाल करते हुए अपने काले धन को वैध बनाने और छुपाने के लिए दूसरों के बैंक खातों के इस्तेमाल का संदेह हो। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोटबंदी के विरोध पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, चिटफंड और टिकट बेचने वाले उठा रहे सवाल। राजौरी में सीमा पार हुई गोलीबारी में BSF का हेड कांस्टेबल शहीद। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में 133 लोगों की मौत, अभी भी दबे हैं कई लोग। केजरीवाल ने कहा, सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ेंगे भगवंत मान। और जाकिर नाइक के ठिकानों पर छापा, हो सकता है रेड कॉर्नर नोटिस जारी।